हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट सिक्स ऑफ द चैप्टर स्ट्रेट लाइंस ऑफ क्लास इलेवेंथ मैथमेटिक्स। इन दिस वीडियो लेसन वी शैल लर्न अबाउट इक्वेशंस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड ऑल्सो वी शैल लर्न पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए जनरल लाइन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यदि कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो ऐसी स्थिति में उस लाइन की इक्वेशन हम किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम ओरिजिन कहेंगे, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एक्स एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो एक्स एक्सिस पर यदि मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट लेता हूँ, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा जीरो होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिया, और सपोज ये पॉइंट यहाँ से ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस अवे है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए 2, 0। सिमिलरली सपोज ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5, 0। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट हो गए सपोज 6, 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा ही जीरो है। इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो होती है वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो है, इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो। सिमिलरली यदि मैं वाई एक्सिस पर कहीं कुछ पॉइंट लेता हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और लेट अस सपोज इट इज 0, 1, ये यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस अवे है, इसलिए 0, 1। मान लीजिए एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ ऊपर 0, 2। इस तरह से इस पर कहीं पर भी पॉइंट लेंगे तो ऑल पॉइंट्स आर हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट्स जीरो। तो यहाँ इसलिए जो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो वाई एक्सिस की जो इक्वेशन है वो कहलाएगी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अब मान लीजिए कि कोई लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन है, और नाउ दिस लाइन सपोज इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 3। इसकी थोड़ी थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए लाइन है, नाउ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 3। इट मीन्स इस लाइन की जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये है 3 यूनिट। तो इस पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे, इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ही 3 होगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3। तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अबाउ द एक्स एक्सिस, तो उसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह से होगी y इक्वल टू 3, जहाँ 3 क्या है, ये x एक्सिस से कितना ऊपर है ये लाइन उसको डिनोट करेगा। इसी तरह से मान लीजिए एक और लाइन लेते हैं हम, और वो जो लाइन है वो सपोज x एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये x एक्सिस के नीचे की तरफ है, और सपोज इसकी जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस से 2 यूनिट अवे है और ये डाउनवर्ड है एक्स एक्सिस के, तो ऐसी स्थिति में इस पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ही -2 होगा। इसलिए इस लाइन की जो इक्वेशन है वो होगी वाई इज इक्वल टू -2। और अगर मान लीजिए मैं कोई लाइन लेता हूँ, अब की बार एक ऐसी लाइन लेते हैं विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ली और ये लाइन जो है वो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और ये जो लाइन है लेट अस सपोज दिस लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट इन द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो ऐसी स्थिति में इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई इज एक्स इज इक्वल टू -3। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा ही -3 होगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट लें, दिस इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो होगे -3, 0, और यहाँ ऊपर कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लो
ये इसके सीध में यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ कोई पॉइंट लिया तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3, 2। तो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स यदि मैं इस लाइन पर लेता हूँ तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा ही -3 है, इसलिए इस लाइन की जो इक्वेशन है वो होगी एक्स इज इक्वल टू -3। और मान लीजिए कि मैं लाइन जो है वो इस तरफ ले लेता हूँ और दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है, सपोज यहां ले ली मैंने, और ये जो लाइन है ये लाइन सपोज वाई एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस अवे है, तो ऐसी स्थिति में इस लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लूंगा तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा ही 4 रहना है, बिकॉज दिस लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस, सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4। तो यदि कोई लाइन हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन है तो उसकी इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, बस हमें यह देखना पड़ेगा कि वो जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, और ऊपर है या नीचे है या लेफ्ट है या राइट है। जैसे मान लीजिए कि अगर लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है और कुछ यूनिट डिस्टेंस है, जैसे 3 यूनिट डिस्टेंस ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू समथिंग, यानी वाई इक्वल टू 3, और ऐसी लाइन नीचे थी 2 यूनिट डिस्टेंस तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई वाई इज इक्वल टू -2। सिमिलरली ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, या यूं कहिए कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू समथिंग होगी, और ये जो लिखेंगे हम यहाँ 4 वो लिखेंगे कि ये वाई एक्सिस से कितनी यूनिट डिस्टेंस अवे है, तो एक्स इज इक्वल टू 4 इसकी इक्वेशन हो गई। इसी तरह से ये जो लाइन है, ये लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये यहाँ से 3 यूनिट डिस्टेंस पर है टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, सो इट्स इक्वेशन विल बी इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस है उनकी इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनको बना लेते हैं, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए हैं, और अब इस पर ये जो पॉइंट है -2, 3 उसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। तो -2, 3 जो पॉइंट है वो होगा इस तरफ, होगा -1, -2 और उसके बाद 3, तो 1, 2, then 3, तो यहाँ पर पॉइंट है ये, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो -2, 3 है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि ये जो एक्सिस है इनके पैरेलल हमें लाइन बनानी है, और जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये जो पॉइंट है -2, 3, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, ये सपोज पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए से जो भी लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट ए से पास हो रही है, उसकी हमें इक्वेशंस लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। देखिए एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, और सपोज ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये तो है हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक मैं बना लेता हूँ वर्टिकल लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। और ये जो लाइन है वो इस पॉइंट ए से पास हो रही है, एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, इन दोनों लाइंस की जो थिकनेस है हम बढ़ा लेते हैं, और एक का जो कलर है वो भी चेंज कर लेते हैं ताकि हम अच्छी तरह से इनको डिस्टिंग्विश कर सकें। इसका जो कलर है वो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो लाइन हो गई हमारे पास ये, और इस लाइन की खासियत ये है कि ये जो लाइन है दिस लाइन इज पैरेलल
पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट्स इज -2, 3। अब ये -2, 3 इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। तो इसकी जो इक्वेशन है, चूंकि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इज इक्वल टू समथिंग होगा, और एक्स इक्वल टू देखना पड़ेगा कितनी डिस्टेंस अवे है, तो 2 यूनिट डिस्टेंस अवे है तो 2 लिखेंगे, लेकिन ये टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस है इसलिए लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -2। यानी कि एक्स इज इक्वल टू -2 यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, और एक्स इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट एक तरह से। तो ये हो जाएगा इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। सिमिलरली दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इट्स इक्वेशन विल बी इक्वल टू वाई इक्वल टू समथिंग, और यहाँ लिखेंगे वाई इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए, तो यहाँ पर है 3। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज अबव एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सो इट्स इक्वेशन विल बी इक्वल टू वाई इक्वल टू 3। तो एक तो इक्वेशन हो गई एक्स इज इक्वल टू -2 विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। सिमिलरली एक इक्वेशन हो गई वाई इज इक्वल टू 3 विच इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। यूँ कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए से पास होने वाली एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली। तो एक तो हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वाई इज इक्वल टू समथिंग वाई इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, एक हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है उनकी इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। अब हम किसी भी लाइन की इक्वेशन जो है वो लिखना सीखेंगे, और इसका जो सबसे मोस्ट बेसिक फॉर्म जो होती है, मोस्ट बेसिक फॉर्म वो होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन वो हम पढ़ेंगे। किसी भी लाइन की जो इक्वेशन है उसका क्या मतलब होता है उसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, और इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की जो थिकनेस है वो थोड़ी हम बढ़ा लेते हैं, ये मैंने थिकनेस थोड़ी बढ़ा ली है, और ये दोनों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक को हम कहेंगे एक्स एक्सिस, एक को हम कहेंगे वाई एक्सिस। और सपोज एक लाइन है, जनरल लाइन है, तो जनरल लाइन जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है। तो एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ कर ली, मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली, और इस लाइन को भी मैं थोड़ा कलरफुल बना देता हूँ। मान लीजिए लाइन है, अब इस लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन का मतलब हुआ कि मान लीजिए इस पर कोई एक जनरल पॉइंट है पी, एक जनरल पॉइंट है पी, और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब होता है कि इसके जो इस पर जनरल पॉइंट लिया हमने और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ ए जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। x और y में जो आपसी संबंध को जो एक्सप्रेस करता है कोई भी एक, मान लीजिए इक्वेशन है, और वो इक्वेशन लाइन के एक जनरल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, उनमें आपस में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करे, ऐसी जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्योंकि उसकी मदद से हम उस लाइन के जो डिफरेंट पॉइंट्स है वी कैन जनरेट, अभी हम समझेंगे और अच्छी तरह से। मान लीजिए इस पर एक जनरल पॉइंट है एक्स वाई, तो हम एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप ढूंढेंगे उसी को हम इक्वेशन ऑफ लाइन कहेंगे। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? नॉर्मली जो लाइन है, यदि मुझे बताना है कि एक पर्टिकुलर लाइन है तो मुझे दो बातें बतानी पड़ेगी। एक तो बताना पड़ेगा कि ये जो लाइन है इसका ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि ये एक्स एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन क्या है,
या यूं कहें कि लाइन का स्लोप क्या है। यदि हमें बता दूं, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है और इस लाइन का जो स्लोप है वो सपोज एम है, ये मैंने बता दिया। तो एम बताने का मतलब हुआ कि मैंने ये बता दिया कि इस लाइन का ओरिएंटेशन क्या है, या ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितने झुकाव पर है, उसका इंक्लिनेशन क्या है, ये एंगल कितना है, ये हमने स्लोप के माध्यम से बता दिया। लेकिन यदि मैं स्लोप के माध्यम से बता देता हूँ तो भी ये फिक्स नहीं होता कि जो लाइन है वो यूनिक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये लाइन है और दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और इसका स्लोप भी कितना है, एम है, तो यदि मैं केवल स्लोप बताऊंगा तो उससे लाइन फिक्स नहीं हुई। बहुत सारी लाइंस हो सकती है जिनका स्लोप एक जैसा हो, क्योंकि ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू अ लाइन या विच आर पैरेलल टू वन अनदर आर हैविंग इक्वल स्लोप। तो इसका स्लोप भी उतना ही है जितना इसका स्लोप है। तो केवल स्लोप बता देने से जो लाइन है वो यूनिक नहीं हो जाती, इसलिए हमें स्लोप के साथ में कुछ और भी बताना पड़ेगा। तो हम यदि बता देते हैं कि एक लाइन है और वो लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, सपोज ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट ए जिसके की कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है, यदि ये मैं दे देता हूँ, ये कह देता हूँ कि ये गिवन है, सपोज कि लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और इसका जो स्लोप है ये भी दे दिया कि इसका स्लोप एम है, तो स्लोप भी बता दिया और ये भी बता दिया कि ये लाइन जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि अब वो लाइन यूनिक हो चुकी है, क्योंकि ये लाइन है इसका स्लोप तो इससे मैच कर रहा है, लेकिन दिस लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो यदि मैं ये कर बता देता हूँ कि लाइन इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर स्लोप एम, देन दैट लाइन विल बी यूनिक। तो अब ये जो लाइन है ऊपर जो हमने लाइन बनाई, इस लाइन की बात कर रहे हैं हम, ये लाइन जिसका कि स्लोप हमें पता है और ये लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए इसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब हो गया कि लाइन इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर स्लोप। जैसे इसका स्लोप एम दे दिया हमने, तो स्लोप भी एम दे दिया और ये लाइन जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वन वाई वन से पास हो रही है। अब हम इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन लिखने का मतलब है कि इस पर हम कोई भी जनरल पॉइंट लिया हमने, और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, उसमें हम आपस में जो रिलेशनशिप ढूंढेंगे, वो जो रिलेशनशिप है वो ही इस लाइन की इक्वेशन कहलाएगी। अब हम यहाँ ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि मैं जनरल पॉइंट और ए को मिलाते हुए ये लाइन बना रहा हूँ, तो उसका मैं स्लोप आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये दो पॉइंट से पास हो रही है, एक तो एक्स वन वाई वन से और एक जनरल पॉइंट एक्स वाई से पास हो रही है, तो इसका मैं स्लोप आसानी से निकाल सकता हूँ। तो स्लोप विल बी इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये लिखेंगे वाई टू, इसको मैं वाई टू कह देता हूँ, और ये है वाई वन, इसको कह देता हूँ एक्स टू वाई टू, ये दूसरा पॉइंट हो गया एक्स टू वाई टू, और एक पॉइंट हमारे पास ये तो जनरल पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, और एक हमारे पास पॉइंट है एक्स वन वाई वन। तो इन दोनों से पास होने वाली ये लाइन है, इसलिए इसका स्लोप हम इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला ये होता है एम इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ एप्सिसा, और एम विल बी इक्वल टू ये वाई टू कितना है यहाँ पर, वाई है, और वाई वन कितना है यहाँ पर, वाई वन ही है, और ये एक्स टू एक्स है और ये एक्स वन है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये मोस्ट बेसिक इक्वेशन है किसी भी लाइन की, जिसका कि स्लोप हमें पता है और ये भी पता है कि ये जो लाइन है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वन वाई वन से पास हो रही है। तो एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वन वाई वन हैविंग स्लोप एम विल हैव इट्स इक्वेशन लाइक दिस वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी दूसरी तरह की फॉर्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम इससे भी सारे जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट बेसिक फॉर्म है, मोस्ट बेसिक फॉर्म, यानी कि वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी तरह से याद होना जरूरी है और सफिशियंट भी है, इसकी मदद से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी फॉर्म हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जल्दी से कर सकें, और इससे करना भी आसान ही है। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम किस तरह से सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ
दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हमें करना क्या है कि किसी भी तरह से जो हमें लाइन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी वहां से हम एक तो उसका स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है, और हम ये पता लगाएंगे कि जो लाइन है कि कौन से पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये हम पता लगा लेंगे और इसके बाद इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, तो इसकी मदद से हम इक्वेशन ऑफ द लाइन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू माइनस टू कॉमा थ्री विद स्लोप माइनस फोर। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ हमें एक लाइन है और ये लाइन जो है इस तरह की रही होगी डेफिनेटली, क्योंकि इसका स्लोप चूंकि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से नेगेटिव ऑब्ट्यूस एंगल बना रही होगी। तो ये लाइन है और इसकी जो थिकनेस है थोड़ी बढ़ा लेते हैं, ये लाइन है और दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस टू कोमा थ्री। मान लीजिए ये माइनस टू कोमा थ्री पॉइंट से पास हो रही है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने ए और इसके कोऑर्डिनेट है माइनस टू कोमा थ्री। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और इसका जो स्लोप है एम वो दे रखा है यहाँ पर माइनस फोर। अब हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखेंगे तो ये होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्स वन वाई वन तो हमारे पास ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गई और जो एम है उसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस फोर हमें दे रखी है। तो इनको हाईलाइट कर लेते हैं, एक तो हमें जो एम की वैल्यू दे रखी है वो तो हम यहाँ रख देंगे, इसके अलावा जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस टू वो हम यहाँ रख देंगे, और इसी तरह से जो वाई कोऑर्डिनेट है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसकी जगह हम ये थ्री रख देंगे। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक्स और वाई को हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन यहाँ पर है थ्री इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू है माइनस फोर, और यहाँ हो गया एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू यहाँ पर माइनस टू है तो ये माइनस टू में इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसको हम पूरा सोल्व कर लेंगे, वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू ये हो गया माइनस फोर एक्स प्लस टू। अब चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर सही है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स माइनस एट, और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो लिखूंगा फोर एक्स प्लस वाई, एक ही तरफ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। और हम ये चेक भी कर सकते हैं कि इस लाइन का जो ये लाइन जो है वो माइनस टू कॉमा थ्री से पास हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि माइनस टू और अगर थ्री में यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा माइनस एट और यहाँ हो जाएगा प्लस थ्री प्लस फाइव, तो ये भी एट हो गया और ये माइनस एट जीरो, यानी कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग दिस पॉइंट माइनस टू कॉमा थ्री, और इसका जो स्लोप है वो माइनस फोर हमने लिया ही है। तो ये जो है आंसर हो गया है, जो हमें जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स वन कॉमा माइनस वन एंड थ्री कॉमा फाइव। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब हम रफ फिगर ही बना लेते हैं। ये मैंने कोई लाइन ली और इस लाइन पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया वन कॉमा माइनस वन और दूसरा पॉइंट हो गया थ्री कॉमा फाइव। और इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है वो होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब हमें इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ से पिकअप करेंगे जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पर एक तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है कि इसका स्लोप हमें पता होना चाहिए, तो स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। तो इसका सबसे पहले हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो स्लोप मैं यह निकाल लेता हूँ, एम इज इक्वल टू होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब इसमें मैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू किसको कहूँगा, मान लीजिए मैंने कह दिया इसको तो एक्स वन वाई वन कह दिया और इस पॉइंट को कह दिया मैंने एक्स टू वाई टू, किसी भी एक पॉइंट को एक्स वन वाई वन, दूसरे पॉइंट को हम एक्स टू वाई टू कह सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम एम निकाल लेते हैं, ये हो गया फाइव माइनस वाई वन की वैल्यू है माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू थ्री और एक्स वन की वैल्यू है यहाँ पर वन, तो ये हो गया सिक्स अपॉन टू यानी कि थ्री। तो इसका स्लोप हमने निकाल लिया है और स्लोप आ गया है थ्री, तो इस लाइन का स्लोप हमें पता हो लग चुका है। अब हम इससे पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, और इसमें जो हम एक्स वन वाई वन लेंगे
कौन सा लेंगे, कोई सा भी एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर लिया एक्स1 वाई1, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो एक पॉइंट से पास है हो रही है, 1 और -1 से तो पास हो ही रही है, तो हम x1 की वैल्यू तो ले लेंगे यहाँ से 1, और x2 की जो वैल्यू है ये y1 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पिकअप कर लेंगे -1, और ये वैल्यू हम इसमें रख के आसानी से इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू है यहाँ पर -1 इज इक्वल टू m, जो अभी हमने फाइंड आउट किया 3, और यह x माइनस x1, x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ y और x की जगह हमें कुछ नहीं रखना है, y प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो गया 3x माइनस 3, और इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 3x माइनस y, इस तरफ ले लिया सभी को, और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये जो है इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है या नहीं हो रही है, तो 1 और -1 इसमें हम रखते हैं, 1 रखते हैं तो ये हो गया 3, -1 रखते हैं तो ये हो गया +1, तो 3 प्लस 1 4, -4 0 हो रहा है, 3 और 5 भी रखते हैं, यहाँ 3 रखा तो 9, और -5, 9 माइनस 5 हो गया 4, 4 माइनस 4 0, यानी कि ये 3 कॉमा 5 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 1 कॉमा -1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई विच इज पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, तो ये उस लाइन की इक्वेशन हो गई जो इन दिए गए दो पॉइंट से पास हो रही है। तो हमने यहाँ क्या किया कि हमारे पास जो पॉइंट्स लॉ फॉर्म हमें याद थी और इसकी मदद से हम जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना चाह रहे थे, इसमें जो रिक्वायरमेंट थी एक तो स्लोप की रिक्वायरमेंट थी जो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज लाइन इज पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, और दूसरा कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए जिससे लाइन पास हो रही है, तो हमारे पास यहाँ दो दो पॉइंट है, कोई भी एक ले सकते थे, तो हमने x1 y1 इस पॉइंट को कंसिडर कर लिया 1 और -1 को, और उससे हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर ली। यदि मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर तो भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा, वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें रख देता हूँ y माइनस वाई वन, सपोज यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि स्लोप तो हमें पता लग ही चुका, स्लोप इसका हमें पता लग चुका है कि इसका 3 है, अब हम इसमें कोई भी एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट इसमें कंसिडर कर सकते हैं इस इक्वेशन में, जैसे y माइनस 5 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू है 3, और x माइनस x1 यहाँ पर ले लेता हूँ मान लो मैं 3, और इसको मैं सोल्व करता हूँ y माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो गया 3x माइनस 9, इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये हो गया 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो वी अगेन गेट द सेम इक्वेशन बिकॉज दिस लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,5, तो वी कैन कंसिडर x1 y1 एज 3,5। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद द स्लोप -2। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना लिए, और इसमें लाइन जो है उसका स्लोप -2 है, इसका मतलब है कि वो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, तो लाइन जो है वो इस तरह से होगी, और इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो लाइन जो अपनी है वो इस तरह की हुई, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस अवे एक पॉइंट को ये कट करते हुए गुजर रही है। तो अब इस लाइन की जो है हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो देखिए इसका स्लोप हमें दे रखा है, स्लोप कितना है -2 है, इस लाइन का स्लोप हमें पता है, और अब हमारे पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, हम चाहते हैं कि इसी की मदद से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करें। तो यहाँ हमें एक तो स्लोप तो हमें पता है, यहाँ पर स्लोप जो भी है वो तो हमें यहाँ पता है, रख देंगे। अब हमें एक पॉइंट भी पता होना चाहिए जिससे लाइन पास हो रही है, वो हम जो दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि लाइन इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, इस सूचना की मदद से हम x1 y1 फाइंड आउट करेंगे। तो चूंकि इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है और लेफ्ट की तरफ है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -3 हो गया, दूसरा एक्स एक्सिस पर पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए -3,0, और इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है इसका मतलब ये x1 y1 का काम करेगा हमारे लिए। तो अब हमें पता लग चुका है कि लाइन जो है वो एक पॉइंट -3,0 से पास हो रही है, इसका स्लोप हमें पता है कि -2 है, तो हम आसानी से अब इसकी इक्वेशन
लिख सकते हैं y माइनस वाई वन, वाई वन यहाँ पर है 0, इज इक्वल टू m, m यहाँ माइनस 2 है, x माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू यहाँ पर माइनस 3 है, ये हमने इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x, ये है प्लस 3, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम चेक कर सकते हैं कि माइनस 3 कोमा 0 से पास हो रही नहीं हो रही है, अगर मैं माइनस 3 इसमें रखता हूँ x की जगह, तो ये हो जाएगा माइनस 6, और y की जगह 0 पुट करूंगा यहाँ से, तो माइनस 6 प्लस 0 यानी माइनस 6 प्लस 6 यानी कि पूरा 0 हो रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है ये, और इसका स्लोप हमने माइनस 2 लिया है, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो चुकी है। एक और क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दिस एंगल थर्टी डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये 2 यूनिट्स अबव है ओरिजिन और 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें ये 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन है, मतलब यहाँ पर ये यहाँ से 2 यूनिट्स अवे है, और ये 30 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन बनाए हम, ये 30 डिग्री बनाते हुए यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और दिस लाइन इज 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो ये 2 यूनिट अबव है, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, इसके हो गए 0, 2, तो लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2 जो एक्स वन वाई वन का काम करेगा, और एक इसका जो स्लोप है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइन जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसका जो स्लोप है एम वो हो जाएगा टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, तो एक तरह से इसका स्लोप भी पता है, ये भी पता है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इस फॉर्मूले में रख के हम आसानी से लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। y माइनस वाई वन, वाई वन यहाँ पर हो गया ये 2 है, और m m की वैल्यू है 1/√3, और ये हो गया x माइनस एक्स वन, एक्स वन यहाँ पर 0 है, तो अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये तो कंप्लीट एक्स ही था, रूट थ्री से इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ एक्स माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से मैं आसानी से लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास हो रही है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो बहुत आसान है करना, ये 1-1 और 3,5 से पास होता हुआ, इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, तो इसको हम कर सकते हैं आसानी से, ये है -1,1 और ये है 2,-4, तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं, तो स्लोप हो जाएगा y2-y1 -4-1 डिवाइडेड बाई 2-1, -4-1 और 2-1, तो ये हो गया -5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो स्लोप निकल गया है, और एक पॉइंट हम ये कंसिडर कर लेते हैं, सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 था, तो अब हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y-y1 इज इक्वल टू mx-x1, तो इसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है, दो पॉइंट से पास हो रही थी तो हमने इसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया पहले, और उसके बाद में फिर y-y1 इक्वल टू mx-x1, तो y-y1 y1 यहाँ पर 1 है और m की वैल्यू यहाँ पर -5/3 है, और x-x1 की वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो यहाँ जब मैं -1 रखूँगा तो ये +1 हो जाएगा, इसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3y-3 इज इक्वल टू -5x-5, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 5x प्लस 3y और +2 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये -1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, यदि मैं -1,1 इसमें रखता हूँ तो ये हो रहा है -5 और 1 रखूंगा तो हो गया +3 +2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इसको पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, और यदि मैं ये वाला पॉइंट इसमें रखता हूँ
देखिए क्या आता है, 2 रखता हूँ इसमें तो हो गया 10, और ये रखता हूँ -4 तो ये हो गया माइनस का 12, और +2 इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो बोथ द पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये जो है वो लाइन की इक्वेशन हो गई विच इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, तो ये आंसर हो गया इसका। आंसर को मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज द आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो इस तरह से हम पॉइंट्स लॉ फॉर्म की मदद से एक तरह से देखा जाए तो हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अलग तरह की जो फॉर्म है वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम क्वेश्चन को और इजी वे में कर सकें और एट ए ग्लांस हम समझ सकें कि वो जो लाइन है वो वास्तव में कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ पर है, इसलिए हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं। अदरवाइज ये जो मोस्ट बेसिक फॉर्म है पॉइंट्स लॉ फॉर्म, इसकी मदद से हम किसी भी लाइन की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी होती है, जैसा कि आपने ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस है उनके माध्यम से सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।